तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर लॉकडाउन किए तो हमारी दुनिया में क्या क्या हो जाएगा, क्योंकि ये लॉकडाउन हमारे इंडिया के लिए तो बहुत खतरनाक है। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए खतरनाक है। इसलिए क्यों लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है, या अगर लगा दिया तो क्या होएगा, मैं आप लोग को फुल एक्सप्लेन करूंगा। बहुत जन बोलते हैं लॉकडाउन लगा तो हमारी तो पार्टी हो जाएगी, स्कूल नहीं होगी, ये नहीं होगी। मगर भाई आपके पेरेंट्स को कभी आपने पूछे कि क्या हालत होगी? आपको नहीं समझ आएगा जब तक आप बड़े नहीं होंगे। अगर आप पेरेंट्स देख रहे हो तो आपको तो समझ नहीं आएगा, तो आप आपके बच्चे को शेयर कर दो ये वीडियो। बच्चे को क्या, जिन लोगों को भी शेयर करने का, जो बोलते हैं अरे लॉकडाउन हुआ तो अच्छी बात है, वो लोग को शेयर करके बता सकते हो वीडियो में कि लॉकडाउन होएगा तो क्या क्या खतरनाक चीज़ें हो सकती है। मैं आप लोग को फुल एक्सप्लेन करूँगा और थोड़ी ऐसी थियोरीज भी बताऊँगा लॉकडाउन के ऊपर जो बहुत स्कैरी है। मैं कुछ पेंडेमिक का नाम नहीं लेने वाला, उससे लॉकडाउन होएगा, क्योंकि वीडियो को लोग उड़ा देते पेंडेमिक का नाम लेते। तो टेंशन नहीं लो, रिलैक्स करो, पॉपकॉर्न उठाओ, इंजॉय करो। 8-9-10 मिनट की वीडियो होगी, कितने भी मिनट की वीडियो होगी, आप लोगों को बहुत मजा आने वाले। एक भी मिनट स्किप नहीं करना, वरना आपको समझने नहीं है। तो सबसे पहले मुझे बोलना है कि लॉकडाउन ऑलरेडी है ना, 2 बार हमारे इधर होके गया। जो पहला लॉकडाउन हुआ था वो 1 साल का था, शायद 6 महीने का या 1 साल का, और दूसरा लॉकडाउन तो छोटा था, 4 या 6 महीने का था, मगर वो भी लॉकडाउन लॉकडाउन था। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो पहला लॉकडाउन था उसके अंदर लोग खाना बांट रहे थे, एक दूसरे को मदद कर रहे थे, कि ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ था। पहली टाइम इतने साल बाद हुआ था, तो लोग बोल रहे थे चल अपनी एक दूसरे की मदद करेंगे, अमीर गरीब की मदद कर रहे थे, गरीब गरीब की मदद कर रहे थे, बहुत मदद हो रही थी। जिन लोग रेंट नहीं भर पा रहे थे, भाड़े नहीं भर पा रहे थे, तो लोग के भाड़े कवर अप किए, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ये वो जो भी ये सब कवर अप हो रहा था, अच्छा खासा चल रहा था लॉकडाउन। और जैसे लॉकडाउन खुल गया, सब वापस जॉब पे लग गए, बहुत जन तो गांव ही चले गए थे, क्योंकि उन लोग यहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे थे मुंबई में, क्योंकि मुंबई में मुंबई क्या पूरे दिल्ली में जिधर भी बहुत पैसे होते हैं खाने पीने के, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो आते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव आते हैं एज़ कम्पेयर टू गांव। गांव में क्या खेती होती है तो उधर सस्ते सस्ते में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आते आते वो चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बनती नहीं। जैसे अगर हम चाइना का कोई मोबाइल ले रहे हैं तो चाइना से आते आते हमें सस्ता पड़ता है, लेकिन अगर आप चाइना से ही ले लो तो आपको कचरे के भाव में मिलेगा। लोग चाइना से ला के यहाँ पर क्यों बेचते, क्योंकि वो वहाँ पर बनता है। तो वैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स फार्म्स में बनते, पंजाब में बनते, इधर उधर बनते, तो वापस जाएंगे आप तो आपको सस्ता पड़ेगा गांव साइड पे। लेकिन अगर आप मुंबई सिटी में फार्म जिधर है ही नहीं उधर फार्म का चीज़ें खाएंगे तो आपको तो महंगा ही पड़ेगा ऑफकोर्स, क्योंकि वहाँ से आ रहा ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस लगते। अभी मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि ना वो टाइम पे तो ऐसा हुआ था, ये फर्स्ट लॉकडाउन की बात है। फर्स्ट लॉकडाउन में सब मदद कर रहे थे एक दूसरे की, स्कूल्स बंद थी, सब बच्चे लोग खुश थे, कुछ कर ही नहीं पा रहे थे लोग, नीचे ही नहीं उतर पा रहे थे, सिर्फ मास्क पहन के घूमो ये वो बस, और कुछ भी नहीं। अब ये लॉकडाउन खुल गया, सब वापस आ गए काम पे, गांव वाले वापस आ गए, गांव वाले लोग इतने डरे कि कुछ तो आए नहीं, कुछ आ गए, लेकिन कुछ जो आ गए लोग भी टिकट्स रेडी रखते कि भाई दूसरा लॉकडाउन हुआ फटाफट वट ले गए, क्योंकि टाइम भी नहीं रहता है, सब लॉकडाउन हो जाए ट्रेन भी बंद हो जाती है। तो उसके उसके हिसाब से ना जो काम करते लोग, जिन लोग का बिजनेस होता है, वो लोग के वर्कर्स चले जाते हैं, उन लोग को बहुत नुकसान होता है, वो लोग के रेंट देना पड़ता है, वो रेंट तो चलो माफ़ हो गए थे फर्स्ट में तो कोई वादा नहीं, वो भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर बिजनेस का बहुत नुकसान होता है, बहुत मतलब एक्सट्रीम नुकसान होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाता है, बहुत चीज़ें बंद हो जाती है, जिसकी वजह से कोई कुछ कर नहीं पाता। ये फर्स्ट लॉकडाउन की बात की, अभी मैं आपको सेकंड लॉकडाउन का बताता हूँ। लॉकडाउन में ऐसा था कि भाई सेकंड लॉकडाउन में जैसे लग गया था कोई रेंट माफ़ नहीं किया, कोई अमीर गरीब को पैसा नहीं दे रहा था, कोई गरीब गरीब की मदद नहीं कर रहा था, क्योंकि ऐसी हिसाब हो गया था कि अमीर के पास भी पैसा नहीं बचा, गरीब के पास तो पहले से पैसा था ही नहीं, वो कैसा बचेगा। तो ये ऐसा हो गया था कि भाई आदमी है ना रेंट के नहीं छोड़ रहा था, अगर 6,000 का रेंट है तो भाई तू 6,000 ही देगा, नहीं तो चल 5,000 दे दे, 1,000 रुपये माफ़ करते थे, मगर इतना कुछ रेंट माफ़ नहीं होता था। खाने पीने के वांदे हो गए थे, क्योंकि सब शॉप्स खुली थी, ऐसा नहीं कि शॉप्स बंद हो गए तो कोई और मदद कर दे, नहीं, सब दुकानें खुली थी ये जो थी, जिसकी वजह से सेकेंड लॉकडाउन जो था ना वो एक्सट्रीम लेवल पे था। सब लोग बोलते फर्स्ट लॉकडाउन बहुत डेंजरस था, जितना सेकेंड लॉकडाउन डेंजरस था ना उतना कुछ भी नहीं था, क्योंकि सेकेंड लॉकडाउन के अंदर लोग खौफ में आ गए थे, उन लोगों के पास खाने पीने के पैसे नहीं थे। लिटरली मेरे को मालूम है, मेरा एक एकदम खास है जिसको मैं पैसे देते रहता हूँ, मैं उसका नाम रिवील नहीं करूँगा, लेकिन उसने खुद ने बोला कि मेरे जगह रेंट की जो थी मैंने छोड़ दिया। तो मैं बोला किधर रहता है, बोले किधर भी नहीं रस्ते पे रह रहा हूँ। उसने लिटरली ऐसा बोला, मेरा दिल मतलब वो हो गया यार, मैं जितना मदद कर सकता हूँ मैं उसकी मदद कर दिया। तो सोचो ये तो एक आदमी, हमारे मुंबई में कितने ऐसे लोग हैं, उसकी तो फैमिली है, पूरी फैमिली रस्ते, अभी तो अच्छा है, अभी हो गया सेट हो गया, वो टेंशन नहीं है, लेकिन ऐसे कितने जान होंगे सोचो। तो ये लॉकडाउन बहुत डेंजरस होता है। अगर आप सोच रहे हो कि लॉकडाउन में मज़ा आती है, ये होता है नहीं, कुछ भी नहीं होता है, किसी का धंधा पानी नहीं होता है, जिसके पास जो पैसा जमा है वही रखा है,
और पब्लिक आजकल है क्या कर रही है, मैंने पैसा जमा करके ही रखी है। और प्लस समझ जाओ मैंने किसी से किसी ने मेरे से कुछ लिया, कुछ स्टॉक्स लिया या कुछ भी लिया, माल लिया, अब लॉकडाउन हो गया, अब वो बोला मेरे पास देने के लिए है नहीं, तो मैं इसको फोर्स भी नहीं कर सकता, कैसा फोर्स करूँगा जब उसके पास है ही नहीं। अब वो बिजनेस स्टार्ट होगा, फिर रिकवर करेगा, 10-12 मतलब 2-3 साल तो लग ही जाएंगे, फिर वो मेरे को पैसे देगा, तो मेरे भी पैसे अटक गए, उसके भी अटक गए, तो अमीर भी अटक गया, गरीब भी अटक गया, मिडिल क्लास भी अटक गया, सब वर्किंग क्लास भी अटक गए, सब अटक जाते, जिसकी वजह से बहुत स्कैरी है ये लॉकडाउन। अभी मैं आप लोग को बताऊंगा अगर थर्ड लॉकडाउन लग गया तो क्या, अगर थर्ड लॉकडाउन लग गया तो मैं आप लोग को कंफर्म बोलता हूँ बहुत जन मर जाएंगे, नहीं पेंडेमिक की वजह से नहीं मरेंगे, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से मर जाएंगे, क्योंकि लोगों को खाने पीने के वांदे हो जाएंगे। देखो जो है ना जॉब्स करता है ना, जो अच्छे लेवल पर जॉब्स करते हैं, जो आर्किटेक्चर है, जो इंजीनियर्स है, जो बड़े बड़े जॉब्स करते हैं, उन लोग तो वर्क फ्रॉम होम बैठ के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बैंकिंग वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। बल्कि जो लॉकडाउन 1 और 2 में हुआ, तो बिजनेस वाले लोग भी पूरा है ना उन लोग का फ़ोन पे ले लिए सिस्टम, जो भी होता है फ़ोन पे ही करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, सब बिजनेस ऑनलाइन ही हो रहा है मोस्टली। मगर जो वर्किंग क्लास है, जैसा वॉचमैन हो गए, कचरे वाले हो गए, मेड्स हो गए, ये सब रहते हैं लोग, जो जो एवरीडे वर्क करके कमाते हैं, मजदूर रहते हैं, वो लोग की हालत ख़राब हो जाएगी। अगर ये लग गया तो मैं लिटरली बोल रहा हूँ बहुत हमारा पॉपुलेशन कम हो जाएगा। आप समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लिटरली मेरा एक दोस्त गोवा में अभी बंगले बंगले का करता है, तो उसने बोला कि भाई जो मैं टैक्सी में बैठा था, एकदम अच्छी टैक्सी, एकदम सस्ता लिया था, तो मैं बोला क्या हिसाब क्या चल रहा है, तो बोले भाई अगर लॉकडाउन लग गया ना तो मैं टैक्सी तो बेच ही दूंगा, मगर मैं भी नहीं रहूँगा ज़िंदगी में, उसने ऐसा बोला। तो सोचो अगर लॉकडाउन लग गया तो क्या आएगा। इसकी वजह से गवर्नमेंट लॉकडाउन नहीं लगा रही, और है ना फॉरेन कंट्रीज़ का कैसा है, उन लोग के इधर लॉकडाउन लग ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट के पास अभी पैसा नहीं बचा है। फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन में उन लोग ने पब्लिक को इतना पैसा दे दिए कि लोग थर्ड लॉकडाउन नहीं लगा सकते। अगर लगाए तो उन लोग को फिर पैसा देना पड़ेगा। दुकान बंद रहती है ना वहाँ पर, एक मिनट के लिए भी अगर गवर्नमेंट ने बंद की तो उन लोग को पैसा देना पड़ता है गवर्नमेंट को। हमारी इंडिया द्वारा नहीं बोल दिया लॉकडाउन लॉकडाउन लग गया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पर गवर्नमेंट खुद पैसा देती है, इसलिए लोग लॉकडाउन नहीं लगा रहे। लोग सिर्फ बोल रहे हैं कि मास्क पहनो और जो भी है सेफली घूमो, बाकी हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम लॉकडाउन नहीं लगा सकते। बल्कि उन लोग तो स्टूडेंट्स जो घर में बैठते हैं ना स्टूडेंट्स, उन लोग को भी पैसा देते, क्योंकि उन लोग इंटर्नशिप करते, उन लोग जॉब करते, वो पैसा घर पर बेचते, तो उन लोग को बैठे बैठे पैसे मिल रहे थे। लेकिन अभी उन लोग बोल रहे हम लोग लॉकडाउन नहीं लगा, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते लॉकडाउन। तो ये फॉरेन कंट्रीज़ का है। अभी आपको मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये तो हमेशा चलेगा, ये जो स्कैरीनेस है वो फॉर एवर रहेगी, ऐसा कभी बंद नहीं होने वाला मेरे हिसाब से, मेरे को लग रहा है। तो ये लॉकडाउन हमारे इंडिया में होएगा नहीं होएगा नहीं पता, मेरे ख्याल से हो सकता है, लेकिन अगर हो गया तो दूसरे लोगों की मदद करना अगर आपके पास है तो, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो उसकी लाइफ डेंजर में हो सकती है। बस मेरे को यही बोलना है ये लॉकडाउन के बारे में, तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो ये वीडियो। जिन लोग भी आप सोच रहे हो कि भाई पैसे वाले लोग लॉकडाउन के लिए खुश होते, उन लोगों को वीडियो भेजो, उन लोगों को बोलना कि भाई देख वीडियो, समझ तू, तेरे को भी पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि पैसा रख के तू मरेगा जब, तो ये पैसा तो लेके नहीं जाएगा ऊपर, पैसा तो पैसा गायब हो जाएगा। तो बोलना कि भाई थोड़ा शेयर कर दो, जो गरीब लोग हैं उन लोग को मदद कर दो, ऐसा नहीं कि हम लोग को मदद कर दो, गरीब लोग को मदद कर दो, जो बेचारे कुछ अफोर्ड नहीं कर पा रहे रास्ते पे आ गए, उन लोग को मदद कर दो, जो गांव भी नहीं है जिन लोग का, जिन लोग इधर ही रहते हैं। बाकी और कुछ भी नहीं बोलना। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो मैंने आप लोग को बोल दिया क्या करना, आप मेरे शॉर्ट्स देख सकते हो, शॉर्ट्स में अमेजिंग वीडियोज़ बनाता हूँ मैं, हॉरर स्कैरी जो भी है वो भी शेयर करा करो, ग्रुप्स में शेयर करा करो, व्हाट्सएप के जो शॉर्ट्स की वीडियो, तो मेरा एंगेजमेंट और बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा जैसे ही बढ़ेगा मेरे को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, मैं ज़्यादा लोग को मदद कर पाऊँगा। अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो नीचे अमेजोन और फ्लिपकार्ट की लिंक दिएगा, मेरा कुछ कमीशन नहीं ऑफिशियल है, या आप खुद चले जाओ लिंक पे भी मत जाओ, डायरेक्ट चले जाओ बाय कर लो, शॉर्ट्स वीडियो बनाओ, 100% मैं गारंटी देता हूँ आपको, आप फेमस होएंगे, और जैसे ही फेमस हो गए तो आप बोलेंगे फुरकान क्या मदद किया, आपको भी पैसा आना चालू हो जाएगा, तो आज नहीं तो कल, क्योंकि शॉर्ट्स पर अभी पैसा नहीं है, लेकिन जैसे ब्रांड जाएगा आपको पैसा आना चालू हो जाएगा। तो एंजॉय करो लाइफ, और कुछ भी मदद चाहिए तो मेरे को कमेंट करो, मैं ट्राई करूँगा, अगर मेरे से हो सके मेरे दोस्त से तो मैं आपको कर दूँगा।